याचना करना चाहते हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम एक याचक के रूप में बैठे हैं कि हमारी याचना पे विचार तो हो, पुनर्विचार हो, उसकी समीक्षा हो, यदि हमारे ये सारे विकल्प। देखिए, नबार्ड जो आज धरना दे रहा है वो अपने अस्तित्व को लेकर के लड़ रहा है। नबार्ड जो आज लड़ रहा है यहाँ पे, नबार्ड का अधिकारी संघ जो है यहाँ पर लड़ रहा है, वो अपने अस्तित्व को लेकर के लड़ रहा है। नबार्ड की स्थापना सन 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ कार्यकलापों को अलग करके और कृषि और ग्रामीण विकास को विशेष रूप से फोकस करने के लिए की गई थी। इसको जो है नाबार्ड को, नाबार्ड एक्ट जो है संसद में पारित करके 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई और भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ विभागों को इस कार्य को संपादित करने के लिए एक साथ जो है वो नाबार्ड में समायोजित किया गया। नाबार्ड ने सन 1982 से कार्य करना शुरू किया, तो नाबार्ड की स्थापना के बाद में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट में संशोधन करके नाबार्ड को अतिरिक्त अधिकार दिए गए कि जो कार्य कृषि और ग्रामीण विकास में पहले भारतीय रिजर्व बैंक कर रहा था वो सारे कार्य जो है वो नाबार्ड करेगा। और नाबार्ड को अपनी भूमिका निभा रहा है सन 1982 से नाबार्ड में 8 वेतन संशोधन हुए हैं। 7 बार परिपाटी के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के समकक्ष जो है वो वेतनमान संशोधन किया गया है, उसका अनुमोदन भारत सरकार द्वारा साल दर साल 7 बार किया गया है, लेकिन 8वीं बार जो है वो एक तरीके से ऐसा वेतन संशोधन किया गया है जिससे वेतन विसंगतियां जो है वो पैदा हो गई हैं, कुछ सिद्धांतों की जो है वो अवहेलना हो गई है, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन जो है उस सिद्धांत की खुले रूप से जो है अवहेलना हुई है, कि नाबार्ड के अधिकारियों को 2 वर्गों में बांट दिया गया है। एक वर्ग वो है जो भारतीय रिजर्व बैंक से नाबार्ड में आया और एक वर्ग वो है जिनकी भर्ती नाबार्ड में सीधे तौर पे हुई। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक से जो अधिकारियों का वर्ग आया है उनको भारतीय रिजर्व बैंक के समकक्ष वेतन और भत्ते जो है दे दिए गए हैं, और जो नाबार्ड में भर्ती हुए हैं उनके वेतन और भत्तों में कटौती कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो है ये बताएं कि जो वेतन संशोधन हुआ है उसमें एक ही स्तर का अधिकारी यदि एक भत्ता महंगाई मिला करके संशोधन के पहले जितनी मात्रा में वेतन वो भत्ता पा रहा था वो संशोधन के पश्चात वही भत्ता कम हो गया है, और इसका असर केवल वेतन और भत्तों पे हमारे नौकरी करते समय तक ही नहीं रहेगा। मैं बताऊँ कि इसका जो असर है वो हमारे जीवन पर्यंत होने वाला है, क्योंकि ये हमारे सुपर एनुएशन बेनिफिट्स में भी जो है इसकी गणना की जाएगी। हमारी पेंशन, हमारी ग्रेचुटी और अन्य जो हमारे रिटायरमेंट के बेनिफिट हैं, जो रिटायरमेंट पे लाभ मिलते हैं किसी भी कर्मचारी को, वो जो है उनमें जो है कमी हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं खुद जब आज सन 1992 में नाबार्ड में आया था, आज से 31 साल पहले, तो मैं केवल इसलिए आया था कि नाबार्ड में जो वेतन और भत्ते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के समकक्ष मिलते हैं। मैं ही नहीं, मेरे साथ के बहुत से साथी अन्य भारत सरकार के कई पदों को छोड़ करके, त्याग करके, कई अन्य नौकरियां त्याग करके नाबार्ड में केवल इसलिए आए थे कि हम लोगों को एक आश्वासन था कि यहाँ पे वही वेतन और भत्ते मिलेंगे जो भारतीय रिजर्व बैंक में मिलेंगे। और 7 जब संशोधन हुए नाबार्ड में, हम लोगों को 26 साल तक वही वेतन मिला। हम लोगों को 26 साल वो वेतन मिलने के बाद में 27वें साल में हमारे साथ में धोखा हुआ है। हम ये मानते हैं कि जो एक परिपाटी चली आ रही थी उसको भारत सरकार ने तोड़ा है, और हम यही चाहते हैं कि भारत सरकार जो है इस परिपाटी के आधार पर जैसा जो है ट्रेडिशन चल रहा था, एक कस्टम था, उसी को कंटिन्यू करते हुए, उसी को जारी रखते हुए हमारा नया वेतन संशोधन जो 2017 से 22 का हुआ है उसको भी पहले के आधार पर ये करे, और हमारे जो वेतन और भत्ते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के समकक्ष ही जो है हमको भी मिले। अगर आपकी ये मांग जैसे अभी सरकार के सामने रख रहे हैं आप पूरी नहीं होती तो आंदोलन को कैसे आगे ले जाएंगे? देखिए, आंदोलन तो एक प्रक्रिया है, ये आंदोलन आज से हम लोगों का शुरुआत नहीं है, ये
जब 14 सितंबर 2022 को एक परिपत्र जारी किया गया, एक आदेश जारी किया गया वित्तीय सेवाएं विभाग से, तो उसके बाद से ही ये आंदोलन हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी, क्योंकि हम लोगों को पता था कि इससे जो है इस तरीके की वेतन विसंगतियाँ हो गई हैं। हमने अपने प्रत्यावेदन, अपने रिप्रेजेंटेशन, अपने ज्ञापन, मेमोरेंडम हमने वित्त मंत्री को भी भेजे हैं, हमने प्रधानमंत्री को भी भेजे हैं, हमने भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग को भी भेजा है, और अन्य कई जगह भी हम लोगों ने जो है इस तरीके के प्रत्यावेदन ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं है। क्या आप कोर्ट का भी रुख करेंगे अगर सरकार नहीं मानती है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, भेदभाव की बात कर रहे हैं? देखिए, भेदभाव की बात है और जो है कोर्ट भी एक हमारे सामने विकल्प है, हम उस पर भी विचार करेंगे, लेकिन जो है हम पहले अपने जितने भी दूसरे विकल्प हैं हम पहले याचना करना चाहते हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम एक याचक के रूप में बैठे हैं कि हमारी याचना पे विचार तो हो, पुनर्विचार हो, उसकी समीक्षा हो। यदि हमारे ये सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं तो जो भी विकल्प हमारे सामने होगा हम उस पर विचार करेंगे और उस पर उचित निर्णय लेंगे कि क्या हमें कोर्ट का रुख लेना है, नहीं लेना है, उस पर जरूर ये एक विकल्प जरूर हमारे सामने। तमाम डिजिटल मीडिया और चैनल्स के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप सरकार को और देशवासियों? देखिए, सरकार को हम केवल यही संदेश देना चाहते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, जितना रेगुलेशन का काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल क्रेडिट को लेकर के जो है जितना भी कार्य कर रहे हैं वो केवल किसानों के हित में कर रहे हैं, और सरकार की जितने आदेश हैं उन सभी आदेशों का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। हम सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं और जो है हमारी सारे के सारी अंश पूंजी, हम नाबार्ड जो है, आपको बताऊं कि नाबार्ड एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो कि 100% जिसमें भारत सरकार की ही हिस्सेदारी है, किसी अन्य संस्था की कोई प्राइवेटाइजेशन कुछ भी नहीं है। हम पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व वाली संस्था हैं और हम भारत सरकार का ही कार्य कर रहे हैं, और जो भी हम लोगों को मैंडेट दिया जाता है हम उसका बहुत ही ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि यदि हम मजबूत रहेंगे तो हम जिनके लिए काम कर रहे हैं उनको और मजबूती से देख पाएंगे। तो हमारी यही याचना है कि हमारे साथ जो जो इस समय विसंगति हुई है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उसको जो है सरकार उस पर विचार करे।